Hi friends, welcome to Electricity Market in India. And today is 4th April की रात और कल 5th April है. और कल हमारे PM ने हम सबको request किया है कि हम रात के 9 बजे से लेके 9:09 तक हम अपने घर की lights off करें और balconies में जाके either candle जलाएं, दिया जलाएं या अपनी mobiles की lights on करें. इसका पीछे scientific reason क्या है वो मुझे नहीं पता, क्यों किया जा रहा है वो भी नहीं पता. इसके पीछे कई लोग बोल रहे हैं कुछ ज्योतिष शास्त्र है, आई डोंट नो. तो एक चीज़ चर्चा बहुत हो रही है कि इसका ग्रिड पर क्या इफेक्ट होगा. ये मैं न्यूज़ में भी देख रहा हूँ, मेरे सिंस हम लोग पावर सेक्टर से हैं तो ये काफ़ी चर्चा व्हाट्सएप पे भी चलती है. तो मुझे लगा सिंस हमारा चैनल पावर सेक्टर को लेके है तो क्यों ना इस चीज़ को मैं अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन करूँ कि इसकी तकलीफ़ क्या होने वाली है इस चीज़ से, और क्या सही में डरने वाली बात है कि ग्रिड फेल हो जाएगा या हमारा ग्रिड इतना स्ट्रांग है कि इस चीज़ को संभाल लेगा. कई नेता लोग भी, कई लोग इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं. जिन लोगों को नहीं भी पता वो लोग भी इस पर सजेशन दे रहे हैं. तो क्यों ना आज इसको समझा जाए कि ये चीज़ क्यों प्रॉब्लमेटिक है और सही में हमारा ग्रिड इसको सस्टेन करेगा कि नहीं, वो तो हमें कल रात को पता चल जाएगा. लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इन लेमैन लैंग्वेज कि इसको क्यों बताया जा रहा है कि एक टफ सिचुएशन है जो कि इंडिया का पावर ग्रिड शायद ना संभाल पाए. तो दोस्तों सबसे पहले जाननी पड़ेगी हमें ये बात कि इंडिया का लोड कितना है. इंडिया जब लॉकडाउन से पहले नॉर्मल तरीके से हम लोग चल रहे थे, जब हमारी इंडस्ट्रीज चल रही थी, सारे दुकान खुले हुए थे, घर में हम लोग मेट्रो से ट्रैवल कर रहे थे या फिर सारे इंडस्ट्रीज फुल लोड पे चल रहे थे, तो इंडिया ऑलमोस्ट 170 गीगावाट लोड पे चलता है. 170 गीगावाट से 160 गीगावाट के बीच इंडिया की पावर डिमांड ऑलवेज रहती है. दिन के टाइम में थोड़ी बढ़ जाती है, सुबह 9-10-11 बजे, फिर दोपहर को कम हो जाती है, शाम को फिर से बढ़ जाती है 5 बजे से रात के 10 बजे तक, और रात को जब हम लोग सो जाते हैं, हम लोग वैसे भी अपने घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं, तो लाइटिंग लोड जो रेसिडेंशियल का है वो वैसे भी उस टाइम ज़ीरो हो जाता है. ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो ऐसा ही है. तो रात के टाइम में इंडिया का जो लोड होता है वो अराउंड 140 गीगावाट के करीब रहता है. एक गीगावाट 1 लाख मेगावाट होता है. सो 360,000 मेगावाट के करीब हमारा टोटल इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी है, और 160,000 मेगावाट की हमें पीक ऑलवेज रहती है इंडिया में. तो तो मैं जो बोल रहा था, तो जब हम लॉकडाउन के पहले थे तो इंडस्ट्रीज 24 घंटे चलती हैं, घर का जो लाइटिंग लोड होता है वो रात को बंद हो जाता है, शाम को फिर से चालू होता है, सुबह थोड़ा सा चालू होता है, और इसके अलावा घर में जो बाकी एसेसरीज हैं जैसे फ्रिज, एसीज गर्मी में या आपके गीजर्स विंटर में, वो तो वैसे ही चलते रहते हैं, चाहे लाइट ऑन हो या ऑफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो जो रिटेल रेसिडेंशियल लाइटिंग का लोड होता है वो 160 जो गीगावाट मैंने बताया देश का जो पूरा पीक डिमांड है, उसमें सिर्फ 10 से 15 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन इस लाइटिंग लोड का रहता है, रेसिडेंशियल लाइटिंग. कभी कभी वो 20-25 गीगावाट भी हो सकता है जब दिवाली का टाइम आ जाता है या फिर जब जब छुट्टियां चल रही होती हैं, सब लोग घर पे हैं, एक्सटेंडेड टाइम तक लाइट जलती हैं, तो मोर एंड लेस वही रहता है. नाउ जब लॉकडाउन हो गया उसके बाद हम देख रहे हैं कि सारे इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, और अगर मैं आपको 27 मार्च से इफेक्टिवली लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, 27 मार्च के बाद से इंडिया का लोड सीधा 160 गीगावाट से गिर के 130 गीगावाट में आ गया है. मतलब 30 गीगावाट जो इंडस्ट्री का लोड था वो गायब हो गया है. मॉल्स बंद हैं, एयरपोर्ट बंद हैं, मेट्रोज खाली चल रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है उस पर. सो एक तरह से 30 गीगावाट जब ग्रिड से गायब हो गया, तो अब मैं बताता हूँ कि ये तो हो गया लोड का सवाल. मतलब आज के दिन में इंडिया 110 से 115 गीगावाट पे चल रही है. तो कल रात को 9:09 तक जब सारे घर की लाइट्स ऑफ हो जाएंगी तो ये अनुमान किया जा रहा है ऑलमोस्ट 15 से 20 गीगावाट ग्रिड से हट जाएगा. सो इफेक्टिवली उस टाइम इंडिया का लोड 90 गीगावाट से 110 गीगावाट के बीच बीच होगा. अब ये हो गई लोड की बात. अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी. तो इंडिया में आज के दिन में हमारा जो भी नेशनल ग्रिड है वो 49.5 हर्ट्ज से लेके 50.5 हर्ट्ज के बीच में काम करता है.
आइडियली 50 हर्ट्ज़ हमें पूरे इंडिया में फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना होता है. नाउ फ्रीक्वेंसी क्यों हमें चाहिए, बिकॉज उसके बेसिस पे हमारे घर के जितने इक्विपमेंट्स हैं जैसे फ्रिज, एसी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आपके वॉशिंग मशीन, टेलीविजन्स, ये सब 50 हर्ट्ज़ पे चलने के लिए ही बने हैं. इसके अगर ये ऊपर चले जाएगा 50.5 तो ये ख़राब हो जाएगा, और अगर 49.5 के नीचे आ जाएगा तो भी ये ख़राब हो जाएंगे. तो हमें 50 हर्ट्ज मेंटेन करना होता है. और अब ये 50 हर्ट्ज कैसे मेंटेन होता है, ये तभी मेंटेन हो पाता है फ्रीक्वेंसी जब इक्वल अमाउंट ऑफ डिमांड रहे और इक्वल अमाउंट ऑफ सप्लाई रहे. तो डिमांड और सप्लाई जब सेम तरीके से चलती है तो हमारा फ्रीक्वेंसी एकदम 50 हर्ट्ज पे मेंटेन रहता है. अगर आप धप से डिमांड को कम कर देंगे तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ के 51, 52 हर्ट्ज़, 53 हर्ट्ज़ तक चली जाएगी. और अगर धप से बहुत सारा लोड आ जाएगा और डिमांड सप्लाई नहीं आ पाएगी पावर की, तो भी फ्रीक्वेंसी नीचे गिर के 49, 48 हर्ट्ज़ तक आ जाएगी, और जिससे सारे इक्विपमेंट ख़राब हो जाएंगे. तो ये जो मेंटेनेंस होता है हमारे जितने पावर ग्रिड के जो ट्रांसमिशन सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूशंस के जो नेटवर्क्स हैं, उनको इस तरह से बनाया गया है कि वो इस फ्रीक्वेंसी को हैंडल कर पाए, ये ऊपर नीचे का. तो कल क्या होगा, कल अचानक 9 मिनट के लिए 20 गीगावाट का लोड पहले तो जाएगा और फिर 9:09 के बाद आएगा. तो इसको इसका इम्पैक्ट फ्रीक्वेंसी पे पड़ेगा. जो 50 हर्ट्ज़ हम मेंटेन करते थे वो पहले तो 51, 52 हर्ट्ज़ तक बढ़ सकता है और फिर धप से वो गिर के 49.5 या उसके नीचे आ सकता है. तो इसको लोड डिस्पैचर्स जो होते हैं, जिनको हम LDCs बोलते हैं, जैसे जिन्होंने मेरे सारे कोर्सेस किए हैं, इन यूट्यूब में सारे पावर मैनेजमेंट के वीडियोस देखे हैं, उनको पता होगा कि उसमें RLDC होता है, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, NLDC इज नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जिसको POSOCO बोलते हैं, और स्टेट में जो लोड को मेंटेन करता है वो है SLDC, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर. तो इन सारे डिपार्टमेंट्स का काम होता है इंडिया, रीजन और स्टेट्स के लोड को मेंटेन करना. तो कल इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है कि वो किस तरह से इस लोड को मैनेज करेंगे. नाउ लोड तो जाएगा और लोड आएगा, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए सप्लाई भी आनी चाहिए और जानी चाहिए. तो सप्लाई साइड कहाँ से आएगी, थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, क्योंकि सोलर रात को है नहीं. तो थर्मल को एक बार पहले तो गिराना है और ऊपर से फिर उसको बढ़ाना है, हाइड्रो को भी यही करना है. विंड हमारे हाथ में है नहीं, बिकॉज हवा कब चलेगी कब नहीं चलेगी नहीं पता. तो उसके विंड पावर को आप थोड़ा सा ब्लेड एंगल से मेंटेन कर सकते हैं, बट अदरवाइज वो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो बेसिकली आपको कल थर्मल पावर प्लांट्स को रेगुलेट करके ही इस लोड को कट ऑफ करना है और कट इन करना है. ये हो गई पहली बात हमने कर ली लोड की, दूसरी बात कर ली फ्रीक्वेंसी की. अब मैं बताता हूँ सबसे बड़ी चुनौती क्या है. इंडिया में जो पावर शेड्यूलिंग होती है वो हर 15 मिनट में होती है. मतलब अगर मैं आज रात के 12 बज रहे हैं तो 12 से 12:15, 12:15 से 12:30, 12:30 से 1:15 और 1:15 से 1 बजे तक 4 हिस्सों में पावर को शेड्यूल करता हूँ. ये हर स्टेट में होता है, हर रीजन में होता है, नेशनल में होता है. सो बेसिकली दिन में 24 घंटे हैं, मतलब 96 टाइम ब्लॉक्स हैं, 24 × 4. हर 96 टाइम ब्लॉक में पावर की शेड्यूलिंग की जाती है कि कितनी पावर खरीदी जाएगी और कितनी पावर बेची जाएगी. ये हर स्टेट करता है और यही SLDC का काम है. अब मोदी जी ने 9 से 9:09 बोल दिया है. तो 9 से 9:09 एक ऐसे टाइम ब्लॉक में आ रहा है जिसमें ऑलरेडी पावर शेड्यूल्ड है 9 बजे और 9:15 पे. अब इनको इसको ब्रेक करके हर मिनट में करना पड़ेगा. वो आई एम श्योर POSOCO इस पर काम कर रही होगी, वो रियल टाइम इसको मॉनिटर करेगी कल के लिए. बट जनरली अगर वो 9 से 9:15 बोलते हैं तो ये चीज़ थोड़ी इजी होती, बिकॉज एक टाइम ब्लॉक के लिए हम अपने सब पावर सप्लाई साइट को रेगुलेट कर सकते थे इजीली. हम 9 बजे काट देते पावर को और 9:15 पे वापस उसको ले आते. एनीवेज इस चीज़ को पहले बोला गया है, आई थिंक इसके ऊपर सारे स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रहे हैं. यूपी गवर्नमेंट्स ऑलरेडी नोटिफिकेशन आया है कि 30 गीगावाट का ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि एक स्विंग आएगा यूपी में. तो इसी तरह से पूरे इंडिया में सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर काम कर रही हैं एंड आई थिंक इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा. पहले भी 2012 में एक बार ग्रिड फेलियर हो चुका है इंडिया में, जब हरियाणा में अचानक एग्रीकल्चरल पंप लोड आ गया था जिससे पूरा इंडिया ब्लैकआउट हो गया था. आई एम श्योर ऐसी हालत नहीं आनी चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट हैपन टुमारो. एंड इन केस यू हैव एनी मोर डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स.
और जो लोग और डिटेल्स में इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, आई विल एडवाइस आप लोग मेरे पावर मैनेजमेंट वीडियोस को देखिए, और पावर मैनेजमेंट पे अगर सर्टिफिकेशन करना है तो आप यूडेमी के लिंक को क्लिक कीजिए, आप वो कोर्स भी कर सकते हैं एट हार्डली 450 रुपीज़ कॉस्ट, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट आउट ऑफ इट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड डू शेयर योर कमेंट्स। थैंक यू, गुड नाइट।